तो इंडियन टीम में इंट्रा स्क्वाड मैचेस चल रहे हैं और उसके ऊपर ही बीसीसीआई ने दिया अपडेट कि कौन किस कितने रन बना रहा है, कौन कितने विकेट्स निकाल रहे हैं, इसके ऊपर दी है बीसीसीआई ने अपडेट। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी बहुत ही कम समय बचा है उसके लिए और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये मुकाबला रहता है हमेशा। और जो फाइनल जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेली जाएगी, तो न्यूजीलैंड के यहाँ पे अगर बात की जाए तो उनको एक बिल्कुल भी एक प्रैक्टिस मैच जैसे उनको अभी एक लाइव मैच उनको मिल रहा है खेलने के लिए, सीरीज उनकी जो चल रही है इंग्लैंड के साथ उसके वजह से, तो इसमें उनकी जो बहुत ज्यादा तगड़ी प्रैक्टिस होने वाली है क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पे जो बहुत ही बड़ा स्टेडियम है तो उसमें वहां पे खेला जाने वाला था ये मुकाबला और खेले जा रहे हैं अभी भी। तो ये सवाल उठ रहा था बहुत लोगों के मन में कि मतलब अगर न्यूजीलैंड की इतनी प्रैक्टिस हो रही है तो इंडियन टीम कैसे प्रैक्टिस करेगी क्योंकि काफी समय बाद टेस्ट मैच खेल रही है और जो खेल रही है वो बिल्कुल भी बहुत ही बड़ा मुकाबला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, तो कैसे इंडियन टीम को यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसे यहाँ पे कर सकती है टीम इंडिया प्रदर्शन क्योंकि जब उन्होंने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है और प्रैक्टिस को भी इतना कुछ उनको समय नहीं बचा है क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड था। बट अभी हम जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मतलब अभी इंडियन टीम को यूएई क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने परमिशन दी है प्रैक्टिस करने के लिए और अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके प्लेयर्स प्रैक्टिस कर सकते थे, ये दो दिन के पहले का अपडेट था। बट अभी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी फुल परमिशन हमें मिल चुकी है इंडियन टीम को क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड भी सर्व होकर चुकी है इंडियन टीम पूरी की पूरी। और इसी के साथ यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट आई थी कि इंट्रा स्क्वाड मैचेस चल रहे, एक कप्तान है विराट कोहली, दूसरे कप्तान है केएल राहुल, तो दो कप्तानों के बीच, दो आईपीएल कप्तानों के बीच ये मुकाबला चल रहा है और इसमें बहुत सारे फैंस का यही एक सवाल था कि प्लीज हमें अपडेट दे दो, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ट्विटर हैंडल को बीसीसीआई को लेके और बीसीसीआई ने सारे के सारे फैंस की यहाँ पे सुनी है। हालांकि पूरा का पूरा स्कोर कार्ड यहाँ पे नहीं शेयर किया है बट कुछ कुछ अपडेट यहाँ पे उन्होंने शेयर किए जिसमें से ये पता चला है कि कौन बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, किसकी खेलने की उम्मीद ज्यादा है, कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ बॉलर्स की भी अगर मतलब हम बात करें तो बिल्कुल भी बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है, फिर उसके साथ ही साथ ईशांत शर्मा है, तो किसको खिलवाएंगे ये भी बिल्कुल भी चल रहा था कि क्या सिराज आउट होंगे, क्या सिराज ईशांत शर्मा को रिप्लेस करेंगे, ऐसे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। बट अभी जो अपडेट है ये इसके अनुसार अगर बात की जाए तो ऋषभ पंत ने यहाँ पे 94 गेंदों में यहाँ पे 121 रन मारे हैं नॉट आउट वो भी, तो बिल्कुल भी कुछ 80 गेंदों के आसपास उन्होंने सेंचुरी लगाई होगी, तो बिल्कुल भी निडर होके बिल्कुल भी वही अंदाज जो ऑस्ट्रेलिया से उनका जो फॉर्म है वही उसी अंदाज के साथ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ऋषभ पंत तो बिल्कुल भी खेलने वाले मेरे हिसाब से स्क्वाड में। उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए ईशांत शर्मा ने 3 विकेट निकाले 36 रन देके सिर्फ, तो बिल्कुल भी जो सवाल उठ रहे थे कि सिराज या फिर ईशांत शर्मा, तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से दोनों के दोनों खेलेंगे और शमी मुझे लगता है कि खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो देखते कि क्या होता है। बट उसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो यंगस्टर है जिनका काफी अच्छा नाम हो चुका है, काफी अच्छा प्रदर्शन करने में उनका नाम है, तो शुभमन गिल जो है उन्होंने भी अच्छी पारी खेली है यहाँ पे इंटर स्क्वाड जो मैचेस चल रहे थे तो वहां पे 85 रन मारे हैं वो भी कुछ 121 गेंदों में, तो उन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनका भी उनकी भी जगह बनती है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि ओपनिंग फिर कौन करेगा, क्योंकि अगर शुभमन गिल को खेल अगर मौका दिया जाता है तो फिर कौन बाहर जाएगा, कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, इसके ऊपर काफी अभी भी डिस्कशन चल रहा होगा डेफिनेटली। बट यही एक अपडेट उन्होंने बीसीसीआई ने दिया था। उसके साथ ही साथ दूसरा एक अपडेट दिया था बीसीसीआई ने, आपके यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी मतलब ये अपडेट था कि विराट कोहली जो है वो बिल्कुल भी बॉलिंग करते हुए नजर आए थे, हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के में नहीं करेंगे वो बॉलिंग, बट विराट कोहली केएल राहुल को बॉल डाल रहे थे, तो डेफिनेटली ये उन्होंने बीसीसीआई ने पूछा था कि क्या होगा अगले बॉल पे, अब आउट होंगे कैसे, आउट होंगे एलबीडब्ल्यू या फिर यहाँ पे कैसे आउट होंगे, ये एक सवाल था, ये उन्होंने बीसीसीआई ने ट्वीट करके पूछा था सारे फैंस को, तो इसी से पता चलता है कि विराट कोहली केएल राहुल को बॉल डाल रहे थे क्योंकि केएल राहुल नहीं बड़ा कभी भी उन्होंने बॉलिंग नहीं डाली है, तो डेफिनेटली विराट कोहली नहीं केएल राहुल को बॉलिंग की होगी। बट डेफिनेटली बात ये तो पक्की है कि विराट कोहली जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर बॉलिंग नहीं करेंगे, फाइनल जो मुकाबला है उसके अंदर बॉलिंग नहीं करेंगे।
बट यही दो अपडेट थी, मतलब कि स्कोर कार्ड जो पूरा का पूरा नहीं आया है, बट जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उसके साथ ही साथ जिन्होंने बेहतरीन विकेट्स निकाले हैं, तो बिल्कुल भी ये अपडेट भी बीसीसीआई ने दे दी है ट्विटर हैंडल पे जाके, तो बिल्कुल भी ये अच्छी साइन है क्योंकि जितना अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे उसी एक मोमेंटम के साथ यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर उतरेंगे, और अगर यहाँ पे मोमेंटम मिलता है तो बिल्कुल भी आगे उसका फायदा जरूर होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्टअप होने में मदद होती है सारे प्लेयर्स की। तो शुभमन गिल इज इन टॉप फॉर्म इन दैट इंट्रा स्क्वाड मैच, और इसके साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे खेले होंगे नॉक्स, बट वो यहाँ पे स्कोर कार्ड जो है पूरा का पूरा नहीं आया, इसके चलते हुए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल स्कोर कार्ड कहा कौन किसने कितने रन बनाए कितने विकेट्स निकाले किसने, बट ज्यादा विकेट्स और यहाँ पे टॉप स्कोरर्स जो थे उनका अपडेट बीसीसीआई ने जरूर दिया है। तो देखते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या होता है, क्या इसी फॉर्म के साथ यहाँ पे ऋषभ पंत और शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। अगर आते हैं तो बिल्कुल भी इंडियन टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो जुड़े रहना, 18 जून से 22 जून तक ये मुकाबला खेला जाने वाला है, तो उसमें ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सामने रहता रहा हूं इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो सभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं इस वीडियो आपके सामने रहता रहा हूं तब। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।